हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल का जो फास्ट फॉर्म हम इससे पहले वाले वीडियो में सीखे थे उसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस और नेगेटिव इंटरोगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव क्वेश्चंस। मतलब फ्यूचर सिंपल का जो फास्ट फॉर्म होता है, फ्यूचर सिंपल के चार फॉर्म्स होते हैं उसमें से फास्ट फॉर्म हम शुरू किए हैं, उसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स आज हम सीखेंगे। तो उसका इंटरोगेटिव फॉर्म जो है वो है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन। पॉजिटिव फॉर्म जो था वो पहले था, वो था सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वी वन, ऐसा था, ये था पॉजिटिव फॉर्म। हमारा रूल क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पॉजिटिव फॉर्म का फर्स्ट ऑक्सिलरीज को बिगनिंग में लाना। वी हैव टू यूज द फर्स्ट ऑक्सिलरीज इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर जो फर्स्ट ऑक्सिलरीज हैं, यहां पर विल और शैल है। जितने सारे इंटरोगेटिव फॉर्म्स हम लोग बना चुके हैं, प्रेजेंट कैरेक्टर, पास्ट कैरेक्टर, फ्यूचर कैरेक्टर, प्रेजेंट पोजेसिव, पास्ट पोजेसिव, फ्यूचर पोजेसिव, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें से फायदा लीजिए, इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर जो फर्स्ट ऑक्सिलरीज हैं इसको हम क्या करेंगे, यहां पर भी लगाएंगे। सब वीडियोस में बताया जाता है, सब स्ट्रक्चर में, सब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बताए जाते हैं। ये फर्स्ट ऑक्सिलरीज को बिगनिंग में लाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म और यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। वही तो है स्ट्रक्चर, यहां पर विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन क्वेश्चन मार्क, दिस इज द इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। और कुछ एग्जांपल्स होते हैं, विल यू कम, पहले लगा इसमें से विल लगा, फिर सब्जेक्ट लगा यू, कम लग गया वी वन, विल यू कम, आप आओगे क्या। यू विल कम का मतलब आप आओगे, यू विल नॉट कम का मतलब आप नहीं आओगे, विल यू कम का मतलब होता है आप आओगे क्या। विल यू कम विथ मी, आप मेरे साथ आओगे क्या, कब बोलते हैं ये। कोई अगर जा रहा हो और कोई निकल उसके साथ जाने के लिए निकल रहा है तो वहां पूछते हैं हम लोग, आप मेरे साथ आओगे क्या। सेकेंड वन, विल रेशमा गेट द फर्स्ट प्राइज, यहां पर विल आ गया, यहां से फर्स्ट पार्ट रेशमा हो गया सब्जेक्ट, फिर गेट हो गया वी वन, विल रेशमा गेट, रेशमा पाएगी क्या, द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज रेशमा पाएगी क्या, फिर रेशमा को फर्स्ट प्राइज मिलेगी क्या। नेक्स्ट वन, मिलेगा क्या, साल आई मेक, साल हो गया यहां से, फिर आई हो गया सब्जेक्ट, मेक मतलब बनाना, मैं बनाऊं क्या या बनाऊंगा क्या, बनाऊं बोल रहे, मैं बनाऊं क्या, टी, क्या बनाऊं, टी किसके लिए, फॉर यू, मैं आपके लिए टी या चाय बनाऊं क्या। नेक्स्ट वन आता है, साल वी क्लीन, हम साफ करेंगे क्या, साल वी क्लीन मतलब, साल वी क्लीन मतलब हम साफ करेंगे क्या, द गार्डन, क्या साफ करेंगे गार्डन को, टुगेदर एक साथ, हम एक साथ गार्डन साफ करेंगे क्या। शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे, इसके ऊपर कम से कम 5, 7 या 10, 15 जितना आपकी मर्जी आप एग्जांपल्स बनाओगे तो आप और मजबूत बन जाओगे। सो कुछ सीखना जितना जरूरी है उसके ऊपर प्रैक्टिस करना उतना जरूरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजबूत बनोगे। अभी सीखते हैं हम नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म, वीडियोस को एंड तक जरूर देखेंगे अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो, आसान लग रहा हो सेंटेंस बनाने के लिए, द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो ये स्ट्रक्चर के जरिए अगर आप लोगों को ईजी लग रहा हो कि हाँ इसके जरिए हम सेंटेंस बना भी पाएंगे, बोल भी पाएंगे, बेझिझक बोलते रहेंगे, तब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, आपके मर्जी के हिसाब से आप करेंगे। मैं आप लोगों को, मतलब आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता, दैट डिपेंड्स अपन यू, कोई काम के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव का जो रूल होता है, यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट विद द फर्स्ट ऑक्सिलरी ऑफ द सेंटेंस ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो फर्स्ट ऑक्सिलरी जो होते हैं उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे तो वो नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यहां पर है। यहां विल और शैल था, इसमें हमें नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाना पड़ा, ये हो गया वॉन्ट और सैंट, फिर लगाए सब्जेक्ट जैसे कि वैसे, फिर लगाए वी वन, वो हो गया नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर नंबर वन।
सेकेंड स्ट्रक्चर भी हम बना पाएंगे, वो कैसे होता है, वी हैव टू यूज नॉट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द इंटरोगेटिव फॉर्म और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद अगर हम नॉट लगा देंगे वो भी नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाओगे यहां पर फिर वी वन, वो सब स्ट्रक्चर यहां पर है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के दो स्ट्रक्चर से होते हैं। खाली फ्यूचर सिंपल नहीं है, Each and every type of sentence has minimum two types of negative interrogative forms. हर एक सेंटेंस दुनिया में जितने सारे सेंटेंसेस हैं उसके दो तरह के मिनिमम दो तरह के नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म होते हैं। उसके अंदर उसमें से आपको जो आसान लगे आप वो यूज कर सकते हो वाइल कम्युनिकेटिंग विथ पीपल। तो यहां पर चलते ही कुछ एग्जाम्पल्स। नंबर वन में आया वॉन्ट यू बिकम, वॉन्ट यहां से यू सब्जेक्ट, बिकम मतलब होना या बनना, वॉन्ट यू बिकम मतलब आप नहीं बनोगे क्या, आप नहीं होगे क्या अ गुड टीचर, आप एक अच्छा टीचर नहीं बनोगे क्या। यहां पर जो सवाल पॉजिटिव, सवाल पॉजिटिव तो नहीं होते, ऐसे सिंपल शब्द सवाल करते हैं हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव सवाल करते हैं यहां पर, सिंपल सवाल करते हैं यहां पर नेगेटिव सवाल करते हैं। वॉन्ट यू बिकम आप नहीं बनोगे क्या अ गुड टीचर, आप एक अच्छा टीचर नहीं बनोगे क्या। वॉन्ट द चिल्ड्रन एंजॉय द गेम, वॉन्ट द चिल्ड्रन एंजॉय मतलब बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे क्या द गेम, वो गेम को एंजॉय नहीं करेंगे, कोई आप नया गेम बना रहे हो बच्चे को खेलना है वो एंजॉय नहीं करेंगे क्या, हाँ करेंगे, नहीं करेंगे क्या। शैंट आई फिनिश योर वर्क, शैंट आई फिनिश मतलब मैं खत्म नहीं करूंगा क्या योर वर्क, आपका काम टुडे, आप कोई कारपेंटर या फिर कोई मैकेनिक को कोई काम दिया वो किया नहीं, आप उसको गुस्सा कर रहे हो उसके ऊपर, बोल गया सर मैं आपका काम आज खत्म नहीं कर दूंगा क्या, क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैं आप आज आज का आज आपका काम खत्म नहीं कर दूंगा क्या। नेक्स्ट आता है वॉन्ट दे कम बैक टुमारो, वॉन्ट दे कम बैक मतलब वो वापस नहीं आ जाएंगे क्या, कम बैक मतलब वापस आना, आप वो वापस नहीं आ जाएंगे क्या टुमारो, कल वो वापस नहीं आ जाएंगे क्या, क्यों सोच रहे हो। कभी कभी मार होती है बच्चे बाहर हैं कहीं गए हैं, अरे चिंता मत करो वो कल वापस नहीं आ जाएंगे क्या। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का उसके एग्जाम्पल्स होते हैं विल योर फादर नट, यहां पर पहले नट का शॉर्ट फॉर्म लगाया गया है, यहां पर सब्जेक्ट के बाद लगाया गया है, यहां है सब्जेक्ट योर फादर उसके बाद नट लगाया गया है नट। विल योर फादर नॉट गिव मनी, विल योर फादर नॉट गिव मतलब आपके पापा नहीं देंगे क्या, मनी मतलब पैसा, आपके पापा पैसा नहीं देंगे क्या। सेकेंड वन शैल वी नॉट लर्न, शैल वी नॉट लर्न, वी यहां पर सब्जेक्ट है, शैल वी नॉट लर्न मतलब हम नहीं सीखेंगे क्या, शैल वी नॉट लर्न क्या नहीं सीखेंगे, टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे क्या। ये हर किसी का सवाल खुद के लिए होता है, खुद के लिए दूसरों के लिए भी होता है, हम इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे क्या, कब सीखेंगे, सीखेंगे स्ट्रक्चर के जरिए सीखेंगे। सामल्स इंग्लिश चैनल में अवेलेबल है, हर एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक के बाद एक वीडियोस में पढ़ाए जाते हैं, फॉलो कीजिए। स्टार्ट स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग विदाउट फियर विदाउट हेजिटेशन। तो एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा आगे चल गए, शैल वी नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे क्या। नेक्स्ट आता है विल द टीचर नॉट गाइड अस टू स्पीक, विल द टीचर यहां पर द टीचर हो गया सब्जेक्ट, विल द टीचर नॉट गाइड, टीचर गाइड नहीं करेंगे क्या, वो टीचर हमें गाइड नहीं करेंगे क्या अस टू स्पीक, बोलने के लिए गाइड नहीं करेंगे क्या, गाइड करेंगे हर कोई, एक टीचर एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रिलेशन होता है, टीचर एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होता है। टीचर का कुछ क्वालिटीज जो कि मेरे डायरी में लिखा हुआ है, उस क्वालिटी में एक क्वालिटी होता है स्टूडेंट्स के मन में जो भी सवाल आए डाउट है रिलेटेड टू हिज इम्प्रूवमेंट रिलेटेड टू हिज नॉलेज उसका उसको क्लियर करना एक टीचर का सबसे पहला काम होता है। वो आप लोगों को मैंने मोबाइल नंबर इससे पहली वाली वीडियो में दे चुका हूँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो
किसी भी पल आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। एक ही बार जब मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करता रहता हूँ उठा नहीं सकता, लेकिन बाद में मैं कॉल बैक जरूर करूँगा, ये वादा है। तो डाउट क्लियर करूँगा, मैसेजेस के जरिए आप कर सकते हैं, कमेंट्स के जरिए। नेक्स्ट, विल द मैन नॉट सेंड, वो आदमी नहीं भेजेगा क्या? द मैन हो गया सब्जेक्ट, विल द मैन नॉट सेंड, वो आदमी नहीं भेजेगा क्या द मेटेरियल्स। हमें मेटेरियल चाहिए कुछ बनाने के लिए, कुछ बना रहे, वो आदमी नहीं भेज रहा है। जिसको मेटेरियल चाहिए वो पूछ रहा है, वो आदमी मेटेरियल नहीं भेजेगा क्या? सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स विच वी लर्नड। आई हैव गिवन ओनली फोर, क्योंकि चार चार एग्जाम्पल्स समझाने के लिए काफी होते हैं, लेकिन आप लोगों को 5, 7, 10, 15, यहां पर भी 5, 7, 10, 15 जितना मर्जी उतना आप बनाएंगे तो आप मजबूत हो पाएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं और एक बार लास्ट में आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा, ज्यादातर लोगों को टेंस टाइम के बारे में नॉलेज होता है, लेकिन आगे जो वीडियोज आते रहेंगे दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सब्सक्राइब कर देंगे तो, अगर आप साइलेंट हो जाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। लाइक तो एक जरूर बनता है, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ताकि बाकी लोगों को इसका फायदा मिल सके। ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस के जो बच्चे उनको बहुत फायदेमंद है। थैंक यू फॉर टुडे एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।